गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 क्या है ये हम लोग जानेंगे आज। तो आर्टिकल 13 मेनली दो पॉइंट डिस्कस करता है। एक, पहला जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दूसरा जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? तो हम लोगों को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हुआ 1950 से पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने सारे लॉज हम लोगों का इंडिया में एग्जिस्ट करते थे वो सारे लॉ हो गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अभी तक जितने सारे लॉज बने वो हो गया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम लोग जाने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने सारे लॉ एग्जिस्ट करते हैं हम लोग इंडिया में वो सारे लॉ है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितने सारे हैं वो अगर हम लोगों का फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं और इरेस्पेक्टिव है और इनकॉन्सिस्टेंस है फंडामेंटल राइट से, तो वो सारे लॉ हो जाएंगे वॉइड। और वो सारे लॉ जो कंसिस्टेंट है और रेस्पेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को वो हो जाएंगे वैलिड। मतलब हम लोगों को देखना है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितने सारे हैं उनमें से क्या क्या फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट करता है और क्या क्या फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट नहीं करता है। ये हो गया। इस दोनों को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को दो डॉक्ट्रिन दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दोनों के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका मीनिंग है टू सेपरेट, सेपरेट करना फंडामेंटल राइट को। कौन सा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेस्पेक्ट करते हैं, कौन सा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये दोनों को सेपरेट करना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को हम लोग फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर भी मानते हैं। कैसे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगा के हम लोग ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट को कौन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेस्पेक्ट करते हैं, कौन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी बोलते हैं कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना है वो सारे लॉ अगर हम लोगों का फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो हो जाएंगे वॉइड, और जो सारे लॉ हम लोगों का फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट करते हैं वो हो जाएंगे वैलिड। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक एक्ट है, उस एक्ट में कुछ सेक्शन या एक सेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट नहीं करता है, इनकॉन्सिस्टेंस विथ फंडामेंटल राइट है, तो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के यूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं उसको वॉइड मानेंगे और बाकी सारे एक्ट वैलिड हो जाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या कुछ सेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, दो सेक्शन विल बी वॉइड एंड रेस्ट ऑफ द सेक्शन वैलिड होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ माद्रास, AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट 27। तो इसमें एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया है। तो सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बोलते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति
अगर उसको डिटेन किया जाता है तो वो पर्सन ग्राउंड ऑफ डिटेंशन डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वायलेटिव है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 14 वॉइड हो जाएंगे और बाकी सारे सेक्शन और बाकी सारे एक्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वो वैलिड रहे। दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब हो गया टू हाइड, छुपा लेना। तो हम लोग समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में। कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, वो सारे एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो सारे लॉ इनऑपरेटिव हो जाएंगे, अनइन्फोर्सेबल हो जाएंगे, तब तक के लिए जब तक ना फंडामेंटल राइट का सर्टेन अमेंडमेंट हो रिलेटिंग टू दिस और दोस इनऑपरेटिव सेक्शंस या एक्ट्स। अगर वो अमेंडमेंट हो जाए फंडामेंटल राइट का, तो फिर वो सारे सेक्शन जो इनऑपरेटिव थे या इनऑपरेटिव थे वो सारे सेक्शन फिर से ऑपरेटिव हो जाएंगे। तो ये हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 781 ऐसे है। तो इसमें एक मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 जिसके सेक्शन 43 जिसको अमेंडमेंट करते हुए बेरर मोटर व्हीकल्स एक्ट बना 1947 में, जो दोनों ही प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो बेरर मोटर व्हीकल्स एक्ट में बोला गया है कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट सारे जो मोटर व्हीकल्स बिजनेस है मोटर बिजनेस है उसको ऑपरेट करेंगे, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के वायलेटिव हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के वायलेटिव है तो ये इनऑपरेटिव हो गया। तो 1951 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर बोला कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 में बोला कि नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो उस समय से वो जो इनऑपरेटिव सेक्शंस थे बेरर मोटर व्हीकल्स एक्ट के वो फिर से ऑपरेटिव हो गए।